गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपना टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय, नामकरण, समावयता, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कंपाउंड्स यानी यौगिक, उनकी बनाने की विधियां, नाम, गुण, उपयोग सब पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय। कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच होता है, जहां आर हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है, हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है, और आर एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, डॉट आगे तक। ठीक, इन यौगिकों की श्रेणी का पहला सदस्य HCOOH, इसका नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। इस श्रेणी का पहला सदस्य HCOOH अर्थात फार्मिक अम्ल है। यह लाल चींटी, लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। इस श्रेणी का दूसरा सदस्य CH3COOH नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या का परिचय क्या है कि सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, इस समूह को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक, इसका सामान्य सूत्र आर सी डबल ओ एच होता है, जहां R हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है और R एल्किल समूह, जैसे CH3 C2H5OH C3H7 C4H9 आगे भी हो सकते हैं। ठीक, इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है? HCOOH, इसका नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। ठीक, यह किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों में पाया जाता है। इसी श्रेणी का दूसरा सदस्य है CH3COOH, जिसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। यह सिरके में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण पढ़ते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, तो अगली हेडिंग है नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों का
नामकरण जो होता है उन यौगिकों के स्रोतों पर आधारित होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका साधारण नाम उनके स्रोतों पर आधारित होता है। जैसे फार्मिक अम्ल, जैसे फार्मिक अम्ल सूत्र क्या होता है, HCOOH। इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है लाल चींटी। ये किस में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक, लाल चींटी में पाया जाता है। इसका लैटिन नाम फार्माइका, फार्माइका जिसका अर्थ क्या होता है, लाल चींटी, जिसका अर्थ होता है लाल चींटी। ठीक, इसी लैटिन नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, फार्मिक अम्ल। दूसरा यौगिक है एसीटिक अम्ल, दूसरा है एसीटिक अम्ल। इसका सूत्र CH3COOH होता है। इसका स्रोत सिरका होता है। ये एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, सिरका होता है। ठीक, और सिरके को लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं। ठीक, और गुड़ में ये कैसा होता है, अम्ली होता है, इसीलिए इसका नाम एसीटिक अम्ल पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा, एसीटिक अम्ल पड़ा। ठीक, ये साधारण नाम हो गया, क्या हो गया, साधारण नाम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनका साधारण नाम किस आधार पर किया जाता है, उनके स्रोतों के आधार पर किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम IUPAC नेम पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नेम कैसे करते हैं, तो जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो उसमें जितनी भी कार्बन, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उसके हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, संगत एल्केन, संगत एल्केन, और उसमें हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल। ठीक, तो जब हम एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्के नोइक अम्ल। जब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्के नोइक अम्ल। ठीक, तो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे HCOOH, ठीक, तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, एक, तो एक कार्बन परमाणु का संगत एल्केन क्या होता है, मेथेन। और जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो हम अपने पास से क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो जो मेथेन में ओइक अम्ल, मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो पूरा नाम क्या बन जाएगा इसका, पूरा नाम क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, इसी प्रकार CH3COOH, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, एक, दो,
कितने कार्बन परमाणु है? दो। दो कार्बन परमाणु का संगत एल्केन क्या होता है? एथेन। क्या होता है? एथेन। और जोड़ते क्या है? ओइक अम्ल। जब एथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। चलो बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसमें भी कार्बन परमाणु गिन लेते हैं, 1, 2, 3। कितने कार्बन परमाणु हैं? 3। और 3 कार्बन परमाणुओं का संगत एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। जब प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक। इसी प्रकार हम अन्य यौगिकों का भी IUPAC ने लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद समावयवता, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में दो समावयवता पाई जाती हैं। कितनी समावयवता पाई जाती हैं? दो। कौन कौन सी? पहली होती है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितनी समावयवता पाई जाती हैं? दो। कौन कौन सी? पहली श्रृंखला समावयवता और दूसरी होती है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। ठीक। तो पहले हम श्रृंखला समावयवता पढ़ते हैं। ये अगली पिछली क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है श्रृंखला समावयवता? ऐसे अणुसूत्र या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं? वे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक। जैसे C4 H8O2। जैसे ये एक अणुसूत्र है। ठीक। इसके दो समावयवी संभव हैं। कौन कौन से? इसको रख कर दें। कौन कौन से दो समावयवी संभव हैं? पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। देखो यही है 1, 2, 3, 4 C4 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 और O2। ठीक। तो इसका नाम क्या है? देखो 1, 2, 3, 4 चार सी हो गए। और चार सी का संगत एल्केन क्या होता है? अभी हमने ऊपर बताया था ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। ठीक। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल।
क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। ठीक, तो ब्यूटेन में जब ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, इसी का दूसरा समावयवी भी देखो क्या होगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, इसमें भी टोटल कर लो, देखो 1 2 3 4 चार सी हैं, 3 3 6 7 8 O2। ठीक, पूरा वही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका दूसरा नाम या देखो 1 2 3, तो देखो ये दूसरे नंबर पर क्या लगा है, मिथिल समूह लगा है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl। कितनी संगत एल्केन है, कितनी कार्बन परमाणु है, 3, और 3 कार्बन परमाणु का संगत एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, और इसमें जोड़ते क्या है, ओइक अम्ल। जब प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, तो श्रृंखला समवयता में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे यौगिक जिनके अर्धसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, ऐसे यौगिक श्रृंखला समावेवी और यह घटना श्रृंखला समावेता कहलाती है। तो देखो जैसे हमने ये एक अर्धसूत्र लिया C4H8O2, तो इसका पहला समावेवी क्या बना, नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बना, पहला समावयवी इसका है नॉर्मल ब्यूटेनोइक अम्ल, और दूसरा इसका क्या है, आइसो ब्यूटेनोइक अम्ल या 2-methyl प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, तो देखो दोनों समावयवियों के जो संरचनाएं हैं या श्रृंखलाएं हैं वो कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो श्रृंखला समावयता व्यक्त करते हैं। ठीक, इसके बाद हम अब दूसरी समावयता पढ़ते हैं, दूसरी समावयता कौन सी होती है, दूसरी समावयता कौन सी होती है, क्रियात्मक, क्रियात्मक समावयवता, समावयवता। क्रियात्मक समावयता क्या होती है, ऐसे यौगिक जिनके सूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ठीक, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना क्रियात्मक समावयता कहलाती है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C3H6O2, जैसे हमने कोई अर्धसूत्र लिया ये C3H6O2, इसके दो समावयवी संभव हैं, कौन कौन से, पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, टोटल कर लो 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु, 3 2 6 अब 1 नहीं 3 3 2 5 अब 6, 6 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक, इसका नाम क्या है, जैसे ऊपर हमने बताया बिल्कुल उसी प्रकार बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। इसी का दूसरा समावयवी भी देखिए क्या बनेगा, CH3 COOH
एक दो तीन, तीन सी हो गए, तीन तीन छ, छ एच हो गए और दो ओ, ठीक। इसका नाम क्या है? मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। तो भी हमने क्या बताया था क्रियात्मक संहिता में कि ऐसे यौगिक जिनके अर्थसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और वे यौगिक क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समावयवी, और यह घटना क्रियात्मक समावयता कहलाती है। तो देखिए जैसे एक अर्थसूत्र है C3H6O2, तो इसके दो समावयवी कौन कौन से हैं? पहला है प्रोपेनोइकम और दूसरा है मेथिल एसीटेट, ठीक। तो प्रोपेनोइकम में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। और इसमें कौन सा है? एस्टर समूह। कौन सा है? एस्टर समूह। और इसमें कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक। तो सहायता समझ में आएगी होगी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों की हम प्रबलता पढ़ते हैं के बारे में बताएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता, ठीक। तो जो ये यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्ली होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं? अम्ली होते हैं, क्योंकि ये क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक। देखो जैसे R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H प्लस NaOH, तो क्या हो गया? H हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रॉक्सिल समूह क्या हो गया? जुड़ गया आपस में और H2O जल बन गया। जो बचा क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और ये N, ठीक। तो ये क्या है? सोडियम लवण। क्या है? सोडियम लवण, तो जल है, ठीक। जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें जो एक कार्बोनिल समूह होता है इसका जो कार्बन परमाणु होता है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। कैसे? देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका कार्बोनिल समूह जो होता है, ये वाला समूह, इसका कार्बन परमाणु ये धनावेशित होता है। कैसे? देखिए, देखो कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु है और ये ऑक्सीजन परमाणु है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता, तो इन दोनों तत्वों में सबसे अधिक कौन विद्युत ऋणी तत्व है? कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक। तो जो ये ऑक्सीजन परमाणु है ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, इसलिए इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और कार्बन परमाणु पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन परमाणु पे क्या है? अब जब ये ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने लगा तो यहां इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये ऑक्सीजन परमाणु से लेना स्टार्ट करेगा। इसी प्रकार अब ये ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, जिस कारण इस हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक। और जो जब ये आंशिक धनावेश आ जाता है, जो क्या करता है? H प्लस के रूप में मुक्त हो जाता है, ठीक। इसके बाद
इसके बाद कि जो एल्किल समूह होते हैं, जो एल्किल समूह होते हैं इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, वो कैसे अम्ल होते हैं? वो प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और जो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने विस्थापित करते हैं या विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं, वो अम्ल कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक, जैसे एच कामा सी एच थ्री कामा सी टू एच फाइव डट, ये एल्किल समूह क्या हो रहा है? एल्किल समूह बढ़ रहा है ना, इस कारण इसी क्रम में प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है, इसी क्रम में प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। ये प्लस आई प्रभाव जो होता है वो तुम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, इसी क्रम में प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। जब प्लस आई प्रभाव इसी क्रम में बढ़ता है तो होता क्या है कि एल्किल समूह जो ये होते हैं, ठीक, जिस क्रम में ये प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की क्षमता, इनकी जो जो एल्किल समूह ये होते हैं, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की क्षमता इनकी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और हमने क्या बताया था? जो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता का घटता हुआ क्रम देखें तो क्या होगा? क्या होगा? HCOOH ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अन्य एल्किल समूहों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर कम विस्थापित करेगा। ठीक, अभी हमने बताया ना कि जैसे जैसे ये प्लस आई प्रभाव बढ़ता है उसी क्रम में एल्किल समूहों की जो क्षमता होती है, कौन सी क्षमता? दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित करने की, वो भी बढ़ती है बिल्कुल इसी क्रम में। ठीक, तो इसकी जो क्षमता होगी अन्य एल्किल समूह की अपेक्षा कम होगी, इसलिए ये जो होगा सबसे प्रबल अम्ल होगा। इसके बाद कौन सा आएगा? CH3COOH आएगा, इसके बाद C2H5COOH आएगा, C3H7COOH आएगा। समझ में आया? हमने क्या बताया अभी यहां पे? हमने क्या बताया था कि जो, देखो, जो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की ज्यादा क्षमता रखते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या जो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक, तो एल्किल समूह इस क्रम में बढ़ेगा, इसी क्रम में क्या होता है? प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक, प्लस आई प्रभाव फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 11th में। जब प्लस आई प्रभाव इसी क्रम में, बिल्कुल सेम इसी क्रम में बढ़ता है, और जब प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, इसी कारण क्या होता है कि इन एल्किल समूहों की जो क्षमता होती है, कौन सी क्षमता? इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की, बिल्कुल सेम इसी क्रम में बढ़ती है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का घटता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रबल क्या होगा? HCOOH।
उसके बाद CH3COOH, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ही घटता होगा क्रम चलता रहेगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्किल समूह की प्रकृति होती है या एल्किल समूह जो होते हैं इसी क्रम में उनका प्लस आई इफेक्ट जो प्रभाव होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और जब प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। ठीक, इसलिए तो इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो प्रबलता का घटता हुआ क्रम होगा वो ये होगा, क्या होगा, HCOOH greater than CH3COOH greater than C2H5COOH greater than C3H7COOH। ठीक, तो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा होगा, फार्मिकम, और इन चारों में सबसे कम कौन सा होगा, ब्यूटेनोइकम। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता जो है घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम अगर कोई पूछता है कर सकते हो, ये चीज याद रखना पड़ेगा कि इस क्रम में प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण इनकी जो इनकी जो शक्ति होती है, कौन सी शक्ति, इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की, वो बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर विस्थापित करने की शक्ति बढ़ने के कारण ही ये क्या होते हैं, दुर्बल अणु होते हैं। ठीक, तो ये घटता हुआ क्रम होगा किसका, प्रबलता का। ठीक, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के मुख्य यौगिक पढ़ेंगे, जिनमें पहला यौगिक है फार्मिक अम्ल। कौन सा है, फार्मिक अम्ल। इसका IUPAC नेम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, और इसका अर्थसूत्र क्या होता है, HCOOH। अणुभार की बात करें तो ये चीज पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, चलो निकाल लेते हैं। तो फार्मिक अम्ल का अर्थसूत्र क्या होता है, CH2O2 होता है। ठीक, कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस 2, हाइड्रोजन का होता है 1, 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। ठीक, कितना हो गया, 12 प्लस 2 कम 2 और 16 दुनी 32, जोड़ लो 32 दो 34 और 34 12 46। तो फार्मिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, 46 होता है, कितना होता है, 46। ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फार्मिक अम्ल जो होता है ये इसी श्रेणी का पहला सदस्य होता है। कौन सा होता है, कौन सा सदस्य है, पहला सदस्य है, कौन सा सदस्य है, पहला सदस्य। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो श्रेणी होती है उसका पहला सदस्य है। ये कहां, इसका स्रोत क्या होता है, लाल चींटी। ये किसमें पाया जाता है, लाल चींटी, मधुमक्खियों वा बर्रों में पाया जाता है। इन कीटाणुओं या जीवाणुओं के काटने पर हमारे शरीर में दर्द और जलन उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में क्या प्रवेश कर जाता है, फार्मिक अम्ल प्रवेश कर जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो फार्मिक अम्ल होता है इस श्रेणी में जितने भी अम्ल होते हैं सबसे ज्यादा प्रबल होता है। इसलिए
इसके बाद अब हम फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला भी पढ़ते हैं। प्रयोगशाला तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें सिद्धांत डाल लेते हैं। सिद्धांत में क्या होता है कि फार्मिक अम्ल को ग्लिसराल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ सौ से 110 डिग्री सी तक गर्म करके बनाते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल। और क्या निकल जाता है, ग्लिसरॉल। ठीक, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि यदि ग्लिसरॉल की कम मात्रा और ऑक्सैलिक अम्ल की अधिक मात्रा का प्रयोग करें तो फार्मिक अम्ल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि इस क्रिया में ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो जाता है। अगर ये टेम्परेचर, चलो ये बाद में बात बताते हैं, तो जो ये समीकरण होती है ये तीन पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में, तीन पदों में। ये समीकरण तीन पदों में पूर्ण होती है। ठीक, तो वो तीनों पद देखते हैं। पहला पद, इसका पहला पद क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस, ये ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। कभी कभी इसको ऑक्सैलिक अम्ल भी पढ़ते हैं। ठीक, जब ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहां से हाइड्रोजन परमाणु और यहां से OH निकल जाता है, H2O जल के रूप में निकल जाता है। ठीक, और बनता क्या है, देखो CH2OOC, चाहो तो ऐसे सिंगल बॉन्ड COOH लिख लो, ऐसे लिख लो COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद जो ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट बना है CH2OOC, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, जो ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट है इसको हम 100 से 110 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इतना CO2 गैस निकल जाती है और क्या बनता है, CH2
COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, इसका नाम क्या होता है? गिल्सराल मोनो, क्योंकि एक ही सी डबल ओ एच लगा है ना, मोनो फार्मेट, मोनो फार्मेट। इसके बाद तीसरा पद, इसके बाद तीसरा पद, तीसरे पद में क्या होता है कि जो ये गिल्सराल मोनोफार्मेट बना हुआ है, मोनोफार्मेट, इसका हम जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन। ठीक, तो यहां से एच और ये सी डबल ओ एच निकल जाता है और क्या बनता है, यही फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, और ये ओ एच यहां पे जुड़ जाता है। तो क्या बना, सी एच टू ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच, और गिल्सराल पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये तीन पद हैं। ठीक, इसके बाद विद जो है अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक।